सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज हमारे साथ भारत की बहुत बड़ी शख्सियत है, वह इंजीनियर है, उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ इंजीनियर रहे और उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा विरासत का काम किया है कि ये कह पाना गलत होगा कि और कोई इंजीनियर या और कोई सरकारी सेवाओं में रहकर के कोई व्यक्ति विरासत का इतना बड़ा काम किया हो। आप हैं इंजीनियर जय सिंह मौर्य जी और आपने अपने जीवन में लगभग सैकड़ों सम्राट अशोक के स्तंभ गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव शहर शहर नगर नगर लगवाए और आपने विरासत को स्थापित करने का बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप पूरे भारत में प्रदेश में अनूठे व्यक्ति हैं कि इस क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। आज हम उनके आवास पर हैं, आज वो मेरे साथ हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज उनका जन्मदिन भी है, तो मैं इस मौके पर सबको मंगल कामनाएं बधाई देता हूं। इंजीनियर साहब, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बुद्ध अशोक फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाते रहें। आज वो हमारे साथ हैं, आदरणीय इंजीनियर साहब, दर्शकों को नमो बुद्धाय कहें। नमो बुद्धाय और जय अशोक महान, जय संविधान, जय भारत। इंजीनियर साहब, मैं आपसे बहुत पूछना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब तक आपने सम्राट अशोक स्तंभ कितने लगवाए और कहाँ कहाँ लगवाए? अब तक हमने सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को 58 अशोक स्तंभ अब तक उत्तर प्रदेश में मैं लगा चुका हूँ। सबसे पहला अशोक स्तंभ मैंने रायबरेली में लगाया था, इसके बाद मेरा मिशन बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद अब तक जो मैं अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में लगाया है वो जनपद क्रमशः इस प्रकार हैं, बलिया है, गाजीपुर है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, जौनपुर है, मिर्जापुर है, वाराणसी है, अमेठी है, प्रयागराज है, सुल्तानपुर है, लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई है, फर्रुखाबाद है, मैनपुरी है। इस तरीके से विभिन्न जनपदों में और उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार के सिवान जनपद में भी हमने एक अशोक स्तंभ लगवाया है और मेरा मिशन है कि सम्राट अशोक ने, भगवान बुद्ध ने जो त्रिपिटक में 84,000 सूत्रों का उपदेश दिया था, उन 84,000 सूत्रों के उपदेश के क्रम में सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 अशोक बौद्ध स्तूप, शिलालेख और याद लगवाए थे। उसी परिकल्पना को लेकर के मैंने भी भारत में ये लक्ष्य रखा है कि ये मैं नहीं कहता कि मैं ही लगाऊंगा, लेकिन जो भी इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, भारत में 84,000 अशोक स्तंभ हम लोग स्थापित करेंगे। इसके स्थापित करने का मेन पर्पज ये था, हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह बहुत तरह की लोग धार्मिक मूर्तियाँ लगाते हैं, बाबा साहब की लगाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें लगाते हैं, उसमें देखते हैं कि अराजक तत्व उसको जो है कभी कभार उसको तोड़ देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन हमने सोचा कि इन सब चीज़ों से हटकर एक अशोक स्तंभ का बनाया जाए हर जगहों पे, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है और भारत का गौरव भी है, हमारा भारत का पहचान भी है और ये भारत के पहचान के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का एक प्रतीक भी है। तो इस चीज़ को हम लोग लेकर चल रहे हैं कि सम्राट अशोक ने हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शासन को स्थापित किया था और हमारा भारत का संविधान भी धर्मनिरपेक्ष को ही फॉलो करता है, या बाबा साहब ने उसमें धर्मनिरपेक्ष की भावना को समाहित किया है, इसलिए हमने धर्मनिरपेक्ष की भावना को लेकर के ही अशोक स्तंभ का निर्माण शुरू किया। वो अशोक स्तंभ किसी धर्म विशेष का नहीं है, ना ही हिंदू का है, ना ही मुस्लिम का है, ना क्रिश्चियन का है, ना जैन का, ना सिख या किसी का नहीं है, वो सारे के लिए है। इसीलिए हमने इस चीज़ को अपनाया कि इसका राष्ट्रीय प्रतीक का कोई भी आदमी विरोध नहीं कर सकता, विरोध करेगा तो किस बात पे करेगा, वो तो हमारे देश का प्रतीक है। हमारे देश का प्रतीक, भारत का प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का लाठ है, तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है, हमारा जो भारत का जो राष्ट्रपति भवन है जिसमें राष्ट्रपति बैठती है, उस जो राजनयिकों
मुख्य अपने अतिथियों से मिलती है, उसका नाम अशोका हाल है। राष्ट्रपति भवन में एक ही मूर्ति है, वो है भगवान बुद्ध की है। और भारत जब आज़ाद हुआ था, हमारे देश में कोई जो है अच्छे होटल नहीं थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने दो होटल बनवाए सरकार के तरफ से। उन होटलों का क्या नाम रखा? अशोका ग्रुप और मौर्य सेराटन। इन सब चीज़ों को देखने से लगता है कि हमारी भारत की जो भी विरासत है वो सम्राट अशोक के और भगवान बुद्ध के विचारधारा पे आधारित है। तो हमने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और अशोक स्तंभ मिशन को मैंने प्रारंभ किया है। आजकल समाज में हम देखते हैं कि बहुत तरह की बुराइयाँ, कुरीतियाँ और द्वेष भावना हमारे समाज में फैल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज फिर से सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, जिसमें सभी को समानता का अधिकार था, सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता था, सभी लोगों को राजा खुद जो है अपने पुत्रवत व्यवहार करता था, उनको सभी का समानता का अधिकार था, उसी तरह का हम लोग भारत में पुनः शासन स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए इस मिशन को हम लोग लेकर आए हैं और हमारा मिशन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। पहले हम लोग जो है RCC का अशोक स्तंभ बनाते थे, जिसका लाइफ 100 से 200 साल था, लेकिन अब हम लोगों ने चुनार के पत्थर का अशोक स्तंभ बनाना शुरू किया है, जिस पत्थर का सम्राट अशोक ने बनारस में उसने जो है शिलालेख पत्थर अशोक स्तंभ लगवाया था, उसी पत्थर का हम लोग जो है अब चारों तरफ अशोक स्तंभ लगवा रहे हैं जिसका जो है लाइफ कम से कम 5 से 10 हजार साल होगी आने वाले समय में। और हम समझते हैं कि कभी जब भी भारत में एक कल्याणकारी सरकार आएगी या अशोक के विचारधारा वाली सरकार आएगी, तो जितने भी ये अशोक स्तंभ हैं इनको एक दिन राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाएगा और इनकी देख रेख की जिम्मा भारत सरकार लेगी और ये संरक्षित रहेंगे और हमेशा जो है भारत को अशोक के संदेशों का संदेश प्रसारित करते रहेंगे। इंजीनियर साहब ने संक्षेप में अपनी बात बताई, बहुत ही सारगर्भित बात बताई, पूरा उद्देश्य भी बताया। ऐसा नहीं है कि वो प्रेरणा देते हैं अशोक स्तंभ बनाने के लिए, वो यथासंभव सहयोग भी करते हैं और ये काम वो आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे हैं। ये अनूठे हैं पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में, कि इस तरह की परंपरा, इस तरह की विरासत को संभालने का इन्होंने जिम्मा उठाया है। हम सब लोग उन पर गर्व करते हैं, आज वो हमारे साथ हैं। और हम आज आपको बताना चाहते हैं आदरणीय मौर्य जी, ये जो प्रेरणा है, ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं ये देखा समाज में बहुत तरह की, विशेष करके मैंने देखा कि बाबा साहब की मूर्तियाँ जहाँ जहाँ थी हैं, ज़्यादातर अराजक तत्व उसको कभी रात में कभी छुप करके उसको जो है तोड़ दिया, कभी हाथ तोड़ देते थे, कभी सर तोड़ देते थे, इस तरीके से उसको नुकसान पहुँचाते थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारत की पहचान भी हो और ऐसा हो कि उसको कोई तोड़ ना पाए, तोड़ने पे उसको जो है सरकार के तरफ से दंड हो। इसलिए हमने राष्ट्रीय प्रतीक की धारणा लेकर के आया। मैंने सोचा कि ये तो राष्ट्रीय प्रतीक है, अगर इसको कोई क्षतिग्रस्त करता है, इसको कोई नुकसान पहुँचाता है, तो इसको सरकार के नियमों के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है और इसको क्षतिग्रस्त कोई आदमी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और भारत का गौरव है, भारत का पहचान है, और सम्राट अशोक के साम्राज्य की पहचान को याद दिलाता है, भगवान बुद्ध के विचारधारा को याद दिलाता है। इस अशोक स्तंभ में भगवान बुद्ध के विचार समाहित है। ये चारों जो है अशोक स्तंभ पे जो शेर हैं वो चार मुद्राओं में है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण है, अगर उसका कोई कारण है तो कोई न कोई निवारण है, तो उसके निवारण के भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया था। उसी अवधारणा पे सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ के ऊपर चार शेर लगवाए हैं। जो प्रथम शेर है वो दुखी मुद्रा में है, यानी वो चिंतन के दुखी है, दुखी के मुद्रा में है। दूसरा शेर जो है उस चिंतन के मुद्रा में है। तीसरा शेर
की मुद्रा जो है हल्के मुस्कुराने की मुद्रा में है और चौथा शेर खिलखिलाकर मुस्कुराता हुआ है, यानी कि उसे दुखों से मुक्ति मिल चुकी है। तो ये अशोक स्तंभ ही नहीं है, ये भगवान बुद्ध के पूरे संदेश को परिलक्षित करता है, बताता है और हमेशा संदेश देता रहता है कि हमको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से समाज को हम सुधार सकते हैं और सही रास्ते पे ला सकते हैं और भगवान बुद्ध के संदेशों को हम प्रसारित कर सकते हैं। क्षमता मूलक स्थापना की व्यवस्था में बहुत सारे महानायक हुए, जैसे माननीय कांशीराम साहब का जिक्र आता है। वो भी कहते थे कि मैं देश पर शासन स्थापित करने के बाद अशोक का शासन लाऊंगा। और भी ऐसे तमाम संत गुरु महापुरुष हुए हैं जो सम्राट अशोक की प्रणाली से प्रसन्न, मतलब बहुत ज्यादा वो प्रसन्न थे। और मैं कहना चाहता हूं कि सम्राट अशोक इकलौते ऐसे पिता हैं, आज दिन तक कोई दूसरा पिता न बन पाया, जिन्होंने हंसते हंसते कहा कि मेरा शासन इतना मजबूत नहीं है जितना बुद्ध का शासन है, आप बुद्ध के शासन में चले जाओ, बौद्ध भिक्षुणी और बौद्ध भिक्षु बन जाओ और दुनिया में बुद्ध के शासन का प्रचार करो। एक पिता की बात मानकर महेंद्र और संघमित्रा दोनों पूरी दुनिया में धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो सम्राट अशोक अनूठे हैं, उनका स्तंभ, उनके शिलालेख, उनकी पहचाने जहां जहां भी लगेंगी वह बुद्ध अशोक पुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा प्रदर्शित होगी। आदरणीय मौर्य साहब ने बहुत संक्षेप में बताया। एक बात और हम निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं आदरणीय मौर्य जी, आप सभी भारत के लोगों को आज इस विशेष अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं, संदेश के तौर पर बता दें। आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि हमारे देश का जो माहौल है या जो विचारधारा है, बुद्ध के विचारधारा से, अशोक के विचारधारा से, ज्योतिबारा फूले के विचारधारा से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा से, माननीय कांशीराम के विचारधारा से हट करके उस अलग ही रास्ते में हम चलना शुरू कर दिए हैं, जिससे समाज में विषमता उत्पन्न हो रही है, लोगों में समता का भाव नहीं रह गया है, लोग एक दूसरे को शक के निगाह से देखने लगे हैं। इन सब चीज़ों को देख करके मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों में समता का भाव उत्पन्न हो, सबके लिए एक इज्जत की भाव उत्पन्न हो, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें और एक ऐसे विचारधारा को फॉलो करें जो सभी के लिए मान्य है। भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है वो कोई ऐसा विचारधारा नहीं है जो कि धर्म विशेष है। भगवान बुद्ध ने वही कहा था जो विज्ञान कहता है। तो भगवान बुद्ध का विचारधारा विज्ञान पे आधारित है, यानी पहले जानो तब मानो। इसलिए भगवान बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हैं विश्व में जो कि अंधविश्वास और पाखंड को न मान करके तार्किक बातों को मानने की बात कहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को विचार करके मैंने अशोक के रास्ते को अपनाया और अपनाने के लिए मैंने सोचा कि कैसे इस रास्ते पे चला जा सकता है। तो मैंने इस रास्ते पे चलने का एक छोटा सा रास्ता निकाला कि जगह जगह अशोक स्तंभ बना करके अशोक के विचारों को, भगवान के विचारों को प्रसारित किया जाए, जिससे लोगों में एक संदेश जाए कि समानता क्या होती है, भारत का गौरव क्या होता है, भारत की पहचान क्या है, जिसके कारण लोग एक दूसरे को भाईचारे की निगाह से देखे, समानता की निगाह से देखे और एक दूसरे पे विश्वास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व लोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा कार्य नहीं है। ये जीवन मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दो, बड़े उद्देश्य से बनाओ, लोक हित के उद्देश्य से बनाओ और इसे पूरा करने के लिए विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानववादी बन जाओ। अंधविश्वास, पाखंड, पुरुतियों से दूर होकर एक अच्छे इंसान बनकर दिखाओ, तभी बुद्ध की शिक्षाओं का, सम्राट अशोक के सपने का भारत बनेगा। फिर मैं एक और बेहतरीन शख्सियत के साथ आपको मिलाऊंगा धम्म चर्चा में। आज हमारे साथ थे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जयसिंह मौर्य जी। उन्होंने बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ संदेश लेने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।